रांची नगर निगम की आपात बैठक शुरू होने के साथ ही पार्षदों और मेयर पर मनमानी का आरोप लगाया गया। पार्षदों ने कहा कि बोर्ड की बैठक की फाइल जब मेयर के पास पहुंचती है तो उसमें जानबूझकर अड़ंगा लगा दिया जाता है, इस कारण बोर्ड की बैठक नियमित रूप से नहीं हो पाती है। ऐसे में वो अपनी समस्याएं कहां पर रखेंगे। इस पर मेयर ने कहा कि वह न्याय संगत काम करने के लिए कुर्सी पर बैठी है, वह ऐसे किसी प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में नहीं आने देंगी जो गलत है। एक घंटे तक पार्षदों व मेयर में तकरार होती रही। दो दिनों के अंदर पूरी सूची देंगे पार्षद। 15 जुलाई तक होगी बोरी बैठक में। मेयर ने पार्षदों से जल संकट से प्रभावित मोहल्लों की सूची 2 दिनों में उपलब्ध कराने को कहा। सूची मिलने के बाद 15 जुलाई तक सभी जगहों पर बोरिंग करा दिया जाएगा। ऐसे वार्ड हैं जहां का बोरिंग सूख चुका है, उस जगह पर टैंकर के माध्यम से पानी देना है और प्रत्येक वार्ड को 3-3 मिनी HYDT दे रहे हैं, इसके लिए हमने घोषणा किया है। तीसरी बात, जो बोरिंग कर रहे हैं उनको 1 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दिए ताकि जहां ज़रूरत पड़े उस जगह पर बोरिंग कर पाएँ और जनता के लिए पानी व्यवस्था कर पाएंगे। तो आज का बैठक में साफ सफाई और पानी के लिए था। जहां जहां नाली का व्यवस्था या सप्लाई पानी के लिए पाइपलाइन बिछाए हैं झुटकों के माध्यम से, इसका भी तुरंत में एक बैठक सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है ताकि पाइपलाइन बिछ जाए और रोड जहां गड्ढा खोदे हैं वहां रिस्टोरेट हो जाए और हर जनता पे जल से नल कनेक्शन दे पाएँ।